नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। बरनाला के गांव ठीकरीवाला में दोहरे कत्ल का मामला आया सामने। प्राथमिक जांच में प्रेम प्रसंग का लग रहा मामला। नाभा में ट्रैक्टर चालक ने मारुति कार को मारी टक्कर। कार चालक की पत्नी गंभीर रूप से हुई घायल। लुधियाना टांडा हाईवे पर चलती गाड़ी को लगी आग, नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। और अब हलचल विस्तार से। बरनाला के गांव ठीकरीवाला में सनसनी घटना के तहत दोहरे कत्ल का मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति की लाश गांव के एक घर के बाहर नाली में पड़ी मिली, जिसके सिर पर तेजधार हथियारों से हमला किया गया और एक लड़की की लाश उसी घर के अंदर से पाई गई। दोनों मृतकों में लड़की की उम्र तकरीबन 25 वर्ष और मृतक व्यक्ति की उम्र तकरीबन 30 वर्ष बताई जा रही है। इस संबंधी DSP बरनाला ने बताया कि शुरुआती जांच में यह प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है, जिसमें गाँव ठीकरीवाला के एक घर के बाहर एक व्यक्ति की तेजधार हथियारों से हत्या की गई है और उसी घर में एक महिला की लाश भी बरामद की गई है। फिलहाल मृतक के भाई के बयानों के आधार पर पुलिस ने दो व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। जी, कल रात करीब 1:30 बजे पिंड ठीकरीवाल विखे एक दोहरे कतल केस का जिहड़ा मामला सामने आया है, जिहदे विच मृतक मनप्रीत कौर पुत्री भोला सिंह जिहदी उम्र करीब 25 साल सी ते गुरदीप सिंह पुत्र रूप सिंह जिहदी उम्र करीब 30 साल सी, इन्हां दोनों का जिहड़ा कतल किया गया। जिहड़ी मनप्रीत कौर है इहदा गला घुट के ते गुरदीप सिंह दा सिर दे विच गड़ासे दा वार कर करके जिहड़ा इहदा कतल किया गया। इह जी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन दे विच एक ऑनर किलिंग का मामला सामने आया। ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੜਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਭਾ ਕਾਲਜ ਗਰਾਊਂਡ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ ਕੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਟੱਕਰ ਇਤਨੀ ਭੀਸ਼ਣ ਥੀ ਕਿ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ ਕਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਕੀ ਪਤਨੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਸੇ ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਈ। ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਰ ਮੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਕੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਥੇ ਜੋ ਬਾਲ ਬਾਲ ਬਚ ਗਏ। ਤੋ ਵਹੀ ਘਾਇਲ ਮਹਿਲਾ ਕੋ ਮੌਕੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੀ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਹਾਂ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਲਗਭਗ 15 ਟਾਂਕੇ ਲਗੇ। ਅਗਰ ਖੂਨ ਔਰ ਬਹਿ ਜਾਤਾ ਤੋ ਮਹਿਲਾ ਕੀ ਜਾਨ ਕੋ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਤਾ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਬਹਾਦੁਰੀ ਕੇ ਚਲਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਬ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਤੋ ਵਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਮਾਨਾ ਕਿ ਇਹ ਟੱਕਰ ਉਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਰਾਹੁਲ ਖੁਰਾਨਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾੜਦਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਦੁਨੀਆ, ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਖੜ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਖੜ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮਰੂਤੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੋ, ਇਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਮੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰੇ, ਦੋ ਸਾਲ ਸਾਲ ਡੇਢ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਦੋ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟੇ? ਮਾਤਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੱਗੇ ਆ ਬਾਈ ਸੱਟ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਖਾਸਾ ਉਹਦੇ ਉਹ 10-15 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਐਵੇਂ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਨਸਾਨੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਐਂ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕਾਜੇ ਨਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ,
लुधियाना टांडा हाईवे पर गाड़ी में सवार होकर एक परिवार टांडा की तरफ जा रहा था कि रास्ते में गाड़ी गर्म होने लगी और गाड़ी में भयानक आग लग गई। आग लगने से गाड़ी का काफी नुकसान हुआ, लेकिन जानी नुकसान से बचाव रहा। वहीं मौके पर पहुंची फगवाड़ा के फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। इस संबंधी गाड़ी के मालिक लखविंदर सिंह ने बताया कि वह लुधियाना से टांडा की तरफ जा रहे थे कि तभी रास्ते में गाड़ी एकदम से गर्म होने लगी। गर्म होने का कारण समझ नहीं आया और इतने में ही गाड़ी को आग लग गई। मालिक ने बताया कि आग लगने से जानी नुकसान से बचाव रहा, लेकिन गाड़ी का काफी नुकसान हो गया है। लीडिंग फायर अफसर सुरजीत मट्टू ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि टांडा हाईवे पर गाड़ी में भयानक आग लग गई है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। टांडे जा रहे हैं ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਰੂਰੀ ਕੋਈ ਤੇ ਇਹ ਸਮੈਲ ਜੀ ਆਈ ਜਦ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੇਕ ਲਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਅਲਟੋ ਹੈਗੀ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਮੈਂ ਸਰਜੀਤ ਮੱਟੂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਫਗਵਾੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਟਾਂਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਲਟੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪੈ ਗਈ ਮਾਲਕ ਜੋ ਕਿ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਚੱਚ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਚੋਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪੈ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਫਗਵਾੜਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰ ਗੱਡੀ ਅਲਟੋ ਆ ਜੀ पंजाब का पैसा जिसने भी खाया है उसको हिसाब देना ही पड़ेगा, बेशक वह पिछली या उससे पिछली सरकार का नेता हो या फिर हमारा। जिसने भी पंजाब का पैसा लूटा है उससे एक एक पैसा वापस करवाया जाएगा। उक्त बात का प्रगटावा लहरा से विधायक एडवोकेट वरिंदर गोयल ने नजदीकी गांव गुरने खुर्द में जरूरतमंद व गरीब 48 परिवारों को 5-5 मरले जमीन के प्लाट सौंपने के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है, किसी भी अधिकारी को रिश्वत नहीं लेने दी जाएगी और रिश्वत लेने वालों को अंदर किया जा रहा है जिन्होंने सरकारी जमीनें रखी हुई थी। उनमें से काफी जमीनें सरकार के पास आ चुकी हैं और अब भी 31 मई तक जमीनें सरकार के हवाले करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कड़े निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक वर्ग की भलाई के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। यह 48 प्लाट ते हर एक प्लाट है जरा 5 मरले का प्लाट है। 5 मरले दे 48 प्लाट 48 परिवारों नु दते गए ने ते जेड़े परिवार गरीब जिन्ना कोले कोई पहला कोई अपनी जमीन नहीं सी कोई अपना प्लाट नहीं सी उन्हां लोकां नु यह लोड़वंदां नु प्लाट दते गए ने 48 प्लाट जसी दते गए। असी पिंडां दे शहरां दे विकास दे लई पूरी तरह दे नाल वचनबद्ध आ। जो भी सरकार ने लोकां नाल वादे कीते ने सरकार वादे पूरे कर रही है। हुण पहलां बिजली फ्री कीती है उह पिंड दे करीब मैं पुछिआ ते 90% लोकां नूं जिहड़ी बिजली आ उह फ्री मिली है ते लोक इस गल दी बड़ी चर्चा करदे ने लोक खुश ने इस गल ते। सब तों वड्डी गल लोक जिहड़ी खुद कहिंदे आ कि सानूं इहदे लई कोई मेहनत नहीं करनी पई, सानू कि दस्तखत कराउन नहीं जाना पिया, सानू किसी के हाड़े कढ़न की लोड़ नहीं पई, साडा घरें बैठे काम हो गया। सो इस तरह जिहड़ी मोहल्ला क्लीनिक की गल चल रही है वह भी असीं पिंडां च सहूलत दे रहे हैं। हुण स्टार्टिंग दे विच 580 दित्ते ने, हल्के दे विच 5 दित्ते ने, पर इत्थे कोई बैन नहीं किसी नूं। जे कोई दूजे पिंड च जाके दवाई लैंदा तां उहनूं कोई रोकिया नहीं जा सकदा। सो स्टार्टिंग दे विच इस तरह कीता है, हौली हौली असीं सारे पिंडां दे विच अज दा जिहड़ा प्रोग्राम है इह गरीब परिवारां नूं 5-5 मरले जिहड़े प्लाट देणे ने उस दे जिहड़ी सनद है उह वंडण दा प्रोग्राम रख्या सी। अज इत्थों लहरा गागर दे MLA वरिंदर गोयल जी जो सनदां वंड के गए है। किन्ने परिवारां नूं दित्ते गए, किन्ने प्लाट? देखो जी, कई सालां दी गल होगी, तकरीबन 48 व्यक्तियां ने पंचायत लवे अर्जी दी सी कि साडे रहण वास्ते मकान नहीं हैगे। उन्हां दी असीं कार्रवाई करके समूह प्रॉपर चैनल जिहड़ा हैगा महकमे तों पास करवा के 48 प्लाट जिहड़े हैगे पास करवाए है। होर की कुछ जिहड़ा इत्थे बनाया जा रहा पिंड दे विच? देखो पिंड दे विच पार्क है, पैलेस है, सारियां धर्मशालां ने, गलियां नालियां पक्कियां ने, ते इहो जी कोई सहूलत नहीं हैगी जिहड़ी मतलब ना होवे जो आम लोकां दी वरतों विच आउंदी होवे।
ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਿਡਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਛੱਪੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਡਲ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। अमृतसर के लॉरेंस रोड के नॉवेल्टी चौक में हीरा पनीर वाले की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें उसकी दुकान में दूध से भरे पतीले में काफी मक्खियां मच्छर मरे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते सुबह स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से हीरा पनीर वाले की दुकान पर रेड की गई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से दुकान में पड़े दूध के सैंपल भी लिए गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि उनके पास गत रात्रि एक वीडियो कुछ लोगों द्वारा भेजी गई थी, जिसमें नॉवेल्टी चौक में हीरा पनीर वाले की दुकान के दूध में मक्खियाँ मच्छर मरे पड़े थे, इसलिए वे उसका सैंपल लेने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि वे शहरवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ गंदगी का चालान काटा गया है और इनके दूध में पानी और इलायची पड़ी हुई थी। दुकान के मालिक ने उन्हें बताया कि वह खराब दूध था जिसे उन्होंने फेंकना था और किसी ने यह वीडियो बनाकर वायरल कर दी। वहीं उन्होंने कहा कि इस सैंपल की रिपोर्ट 10 से 15 दिन के बीच आएगी, जिसके बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम राजेंद्र पाल सिंह है और मैं इतने जिला अमृतसर के बतौर असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी तैनात हाँ। देखो कल रात को तकरीबन 8:30 बजे मेरे को कुछ बंद ने वीडियोज भेजी सी, जिद इन्होंने जोड़े दुध पिया हुआ सी कुछ मक्खी मच्छर जोड़े से मरे हुए थे, सो वो रिगार्डिंग अज असी इतने जोड़ा है सैंपलिंग के लिए पहुंचे हैं। सो असी अज इतने देखा और आके चैकिंग की है, तो जोड़ा हूँ इन दुध से वो हाफ डन से फाटी एक दुध और पानी और लौंग इलायची वगैरह मिक्स है, और इन वालों जोड़ा इन लड़के पूछा गया है और ये वालों ये बयान दिए गए कि जो कल दुध से वो असी जो सवेरे 4 बजे फॉर डिस्ट्रॉइंग परपसिज लिए रखा से, बट क्योंकि साडा जोड़ा मेन कंसर्न हैगा फॉर द पब्लिक हैल्थ, साडा जोड़ा मेन है कि असी हर एक चीज़ में बड़ा बरीकी नाल देखना है कि किसी को किसी तरीके की जान माली नुकसान ना हो। सो असी जोड़ा है यदा जोड़ा जोड़ा दुध ने हाफ डन किया फाटी ये असी सैंपल जोड़े आ लै ले और इन वॉर्न कर दिता है कि अगे तो जो पहला तो भाजी सारे प्यार भरी सत श्रीकाल। मैं थोड़ा अपना छोटा वीर दमन, ये जी वीडियो वायरल हुई आडियो किसी को कोई मैं अपने भरावों को बेनती करा वीडियो वायरल करने तो पहले एक बार पूछ लिया करो कि वीडियो की कारण की इस चीज़ का। ये सारे पता है कि सारे शहर वासियों पता कि मेरी दुकान 7 बजे सवेरे खोलती 7:30 बजे जिहड़ी वीडियो बनी है 4 बजे बनी सवेरे तड़के 4:30 बजे कल दा रात वाला जिहड़ा दुध बचिया वह दुध खराब ही एक्चुअली वह जे आप कैंडी चो कढांगे दुध वह किस भांडे च पा के कढांगे ये तो है नहीं कैंडी चो पाटे कढे तो रोड़ी गए जमीन से दुध के पोते एक बराबर आ जो आप दुध नूं ऐ करके कैंडी चो दुध रोड़ांगे उहनूं किस भांडे च पा के किस हुण जानवर आ हुण जानवरां नाल लगाव वी आ जानवरां नूं पावांगे ये चीज़ ये तो है नहीं कि भांडे फड़े तो ऐ करके रोड़ता नालियां दे विच अपने कहने का मकसद जो मुंडे ने किया मुंडे ने चलो उन्होंने ना समझी ही और मुंडे ने भांडा बाहर रखता है क्योंकि जिस टाइम उन्हें मुंडे ने सारा कैमरा घुमाया सारे ने वीडियो देखी आ यह नहीं कि कल मैं अपनी स्पष्टीकरण खाना उस टाइम से 4 बजे दौरान बाहर कोई टेबल नहीं लगा। सतगुरु कबीर जी महाराज के प्रकाश पर्व को समर्पित 13वीं प्रभात फेरी सतगुरु कबीर मुख्य मंदिर भार्गव नगर जालंधर से निकाली गई। ये प्रभात फेरी इलाके की परिक्रमा करते हुए अक्षय कुमार के निवास स्थान पर जाकर संपन्न हुई, जहां पर पारिवारिक सदस्यों में अरुण मदनलाल दर्शना और रोशनी ने पुष्प वर्षा कर इस प्रभात फेरी का स्वागत किया। इस दौरान भक्तों ने सतगुरु कबीर जी की महिमा का गुणगान कर माहौल को भक्तिमय रूप प्रदान किया। इस अवसर पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। तन तन सतगुरु कबीर साहब श्रोमणी गुरु जिन्हों की बाणी गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज है और जिन्हों की बाणी नू
घर घर हर सत्संग चारिया जाता है, उन्हों की बाणी का गुणगान किया जाता है, क्योंकि सतगुरु कबीर साहब जी की बाणी ने जोड़ा इंसान के हर पहलू से उन्हों की बाणी के विचार है। इस तरह के श्रोमणी संतों का जो भी प्रकाश उत्सव आए, सारिया ही संगतों सारिया बरादरिया रल मिल के दिहाड़ा मना चाहिए, क्योंकि सतगुरु कबीर साहब जी ने सब की गल की है। उन्होंने कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में सब की मांगे खैर, ना काहू संग दोस्ती ना काहू संग वैर। ऐसे संतां महापुरशां दा दिहाड़ा मनाउण दे लई सानू सारिआं नूं इकट्ठा हो के शोभा यात्रा दे विच हिस्सा लै के इस दी रौनक नूं वधाउणा चाहीदा। सो 625वां प्रकाश उत्सव 4 जून दिन इतवार नूं बड़ी श्रद्धा पूर्वक संसार भर में मनाया जाएगा। उसे दे उपलक्ष्य विच 3 जून दिन शनिवार नूं समा ठीक 3 बजे सतगुरु कबीर मुख मंदिर विच एक विशाल शोभा यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। सारिया संगतों नूं बेनती है कि हम आ के इस शोभा यात्रा विच शामिल होण। सिखो के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के संबंध में सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में संगते नतमस्तक होने के लिए पहुंची। गुरुद्वारा रामसर साहिब वह पावन पवित्र स्थान है जहां गुरु अर्जुन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना करवाई और पहला स्वरूप संपूर्ण होने उपरांत स्थान पर बाबा बुढ़ा जी के शीश पर सुशोभित करके श्री हरिमंदिर साहिब में ले जाकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश किया। इस मौके पर बढ़ रही गर्मी को लेकर श्रद्धालुओं की आमद को देखते हुए श्रोमणी कमेटी की ओर से ठंडे मीठे जल की छबील भी लगाई गई। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जतिंदर कौर सोनिया की कहने चाहते कि आज बड़ा महान दिन है। तत् विचार यह है मथुरा जग तारण को अवतार बनायो, जप्यो जिने अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो, बाणी दे बोहित शांति दे पुंज निम्रता दे धारनी। 5वें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का अज पावन पवित्र शहीदी दिहाड़ा जो देश विदेश दे विच ही नहीं संसार दे विच बड़ी श्रद्धा भावना ते प्यार दे नाल मनाया जा रहा है। इस संबंध दे विच अज सचखंड श्री हरिमंदर साहब दे विच करोड़ों की तादाद दे विच संगतां जिहड़ियां नतमस्तक हो के गुरु घर दीआं आसीसां प्राप्त कर रही हैं और संगतां वास्ते इत्थे प्रबंधकों वालों बहुत सोहने ठंडे मिठे जल दियां छबीलां अते होर कई तरह के लंगर जिहड़े उह लगाए गए हैं। गुरुद्वारा दुआबा श्री गुरु सिंह सभा चौंक अड्डा होशियारपुर जालंधर की ओर से साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज का 408वां शहीदी पर्व बड़ी ही श्रद्धा भाव से मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम रखे गए श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग डाले गए, जिसकी सेवा रिटायर्ड जेई सतपाल सिंह के परिवार की ओर से निभाई गई। इस मौके पर पंथ प्रसिद्ध रागी जत्थों ने कीर्तन कर उपस्थित संगतों को गुरु चरणों से जोड़ा। अंत में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर चेयरमैन परमजीत सिंह भाटिया, प्रधान अमृतपाल सिंह, जनरल सचिव मक्खन सिंह, बूटा सिंह, सतवीर सिंह, दीदार सिंह विरदी, जथेदार सरदारा सिंह मक्कड़, मनमहिंदर सिंह संदल सहित असंख्य संगत भी मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज शहीदों के सरताज, उन्हों का अज शहीदी दिहाड़ा 408वां बड़ी हुम आ के गुरुद्वारा दुआबा श्री गुरु सिंह सभा चौंक अड्डा हुशियारपुर विखे मनाया जा रहा है, जिदे विच हुम आ के संगतां पुजियां हन। इस प्रोग्राम दे विच उचेचे तौर ते भाई सुखविंदर सिंह खालसा, भाई हरजीत सिंह दे सहयोग अते इलाके दे सहयोग नाल ये असी समागम तुहाडे ही सहारे तुहाडे ही आशीर्वाद नाल यह प्रोग्राम कमेटी करती है और असं उम्मीद करते हैं इस तरह तुम सू सहयोग देंदे रहोगे। और खास करके असी हलचल वाले का भी धन्यवाद करते हैं जिहड़ा कि जो भी सानू किसी चीज़ की लोड़ है या कोई प्रोग्राम आता है वो कवरेज करके वो दुनिया तक पहुँचाते हैं। प्रबंधक कमेटी वालों शीतल बाऊ जी का, उन्होंने पूरी कमेटी का असी धन्यवाद करते हैं। अमृतसर में श्री दरबार साहिब के दर्शनों के लिए पूरी जानकारी हासिल करने के लिए एक बड़ी LCD लगाई गई है, जिस पर श्री हरिमंदर साहिब के बारे में पूरी जानकारी हासिल की जा सकती है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब सतगुरु
श्री गुरु रामदास पातशाह जी की पवित्र नगरी सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे अज शहीदां दे सरताज पंजम पातशाह साहब सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी का शहीदी गुरपुरब भी है। गुरु साहब कृपा करन जब सतगुरु साहब गुरु रामदास पातशाह जी ने इस स्थान का निर्माण शुरू किया, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤਦ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯੁਗਾ ਜਗਾਂਤਰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਬਰਾਏ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ LCD ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਆ ਇਹਦਾ LCD ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ LCD ਹੈ ਦੂਰੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੂਗੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜੋੜਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇੱਧਰ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਊਥ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਲੱਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਠਿਨਾਈ ਨਾ ਆਵੇ ਆਉਂਦਾ ਦੂਰੋਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਉਰੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਐਂਡੀ ਵਿਕਟਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਲੰਧਰ ਛਾਵਨੀ ਮੇ ਕਾਰਿਅਰਤ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਸਾਵਿਤਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਵ੍ਰਤ ਹੋਣੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਸਦਸਯ ਵ ਸਭੀ ਅਧਿਆਪਕੋ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਸਾਵਿਤਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋ ਫੂਲ ਮਾਲਾਏ ਪਹਿਨਾ ਕਰ ਔਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਚਿੰਨ ਦੇ ਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਸਾਵਿਤਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਸਦਸਯ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿਨ ਰਾਜਪੂਤ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਥੀ 60,000 ਰੁਪਏ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੈ ਗਿਆ ਬਹਿਨ ਜੀ ਆਪ ਤੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੇ ਲੀਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੋ ਅਮਰੀਕਾ ਮੇ ਹੂੰ ਮੈਨ ਕਹੇ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ। ਏਕ ਮੈਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਸਲੂਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾ ਕਿ ਆਪ ਅਮਰੀਕਾ ਮੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਯੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਨੋ ਮੈਡਮ ये बात नहीं है, आप हिंदुस्तान में जो कर रहे हो वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और राइट अवे उन्होंने कहा मैडम इसी वक्त जाओ, हाँ इसी वक्त जाइए और वेस्टर्न मनी से लेकर 60,000 रुपये भेजा। उसके बाद ये जो भाई साहब खड़े बताने वाली बात नहीं है क्योंकि ये कभी भी नहीं चाहते कि हमारा नाम लिया जाए। कुछ और सदस्य भी बैठे वो नाराज़ हो जाते हैं लेकिन करूँ क्या, मेरा सम्मान तो है ही नहीं। सम्मान अगर आप मुझे सारे मिलकर न देते तो मैं यहाँ खड़ी हो ही नहीं सकती थी। जितने भी स्कूल हैं इनके सारे मैनेजर प्रिंसिपल जानते हैं, मैं सबके साथ जुड़ी। मैंने कभी नहीं कहा ये स्कूल अलग है, मैंने कहा ये विक्टर स्कूल के भाई बहन हैं और हम इनसे करते रहे क्योंकि मुझे भी यहाँ मदद मिलती है। मैं भी अपनी शुभेच्छाएँ आपको दे रही हूँ। मैं थकी हूँ, मैं बोल नहीं सकती, सिर्फ इतना ही कहूँगी इस सम्मान को मैंने सारे सम्मान को अपने मैनेज कमेटी के सदस्य और यहाँ जितने बैठे हैं उनको समर्पित कर दिया। आज इस समागम के बीच जिन्हें भी अतिथिगण इस में शामिल हुए हैं मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। इस समय मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा स्कूलों दियां जिहड़ियां भी मैनेज कमेटियां के मैनेजर्स क्लब्स के सीनियर कर्ता इस समय इस स्थान पर उपस्थित हैं मैं उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ।
जालंधर छावनी के मोहल्ला नंबर 18 में स्थित श्री महावीर मंदिर में श्री शनि जयंती के संबंध में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें राजनीतिक और सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर इस हवन यज्ञ में आहुतियां डाल आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी खेमकरण जोशी, लवजीत जोशी, संजय गुप्ता के अलावा बड़ी संख्या में इलाकावासी मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। शनिदेव महाराज की जय। आज हमारे जालंधर कैंट वासियों के लिए बड़ा ही शुभ दिन है कि आज मोहल्ला नंबर 18 में श्री महावीर शनि मंदिर में एक ऐसा धार्मिक प्रोग्राम हो रहा है जो है वह हमारे शनिदेव जयंती, जो कि हर साल मनाई जाती है। यहाँ के भव्य जी पूरे जोर शोर के साथ सारी संगत के साथ भगवान श्री शनिदेव जी के साक्षात पूजा करते हैं और दर्शन करवाते हैं। बहुत ही कृपा है इनके ऊपर। और शनिदेव महाराज जैसे सब देवताओं की पूजा होती है, इसी तरह शनिदेव की भी पूजा जो है बड़ी ज़रूरी है। आज हम जो कुछ भी हैं इसी महाराज की दया से हैं। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के शहीदी पर्व को समर्पित दमोरिया पुल स्थित श्री गुरु रविदास स्कूल के नज़दीक ठंडे मीठे जल की छबील प्रीतम सिंह फ्लोरा परिवार की ओर से लगाई गई, जिसका शुभारंभ दर्शन कपूर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर किया। इस मौके पर प्रीतम सिंह फ्लोरा, सतनाम सिंह फ्लोरा, गुरजीत सिंह फ्लोरा, गुरदीप सिंह फ्लोरा, अमनदीप सिंह फ्लोरा, अवतार सिंह फ्लोरा, प्रीतम चंद भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। लगाई गई है हर साल लगाते ने अगे भी हद सेवा करते रहने के। आज श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीद दिवस से ठंडे मिठे जल की छबील और चने का लंगर लगाया किशनपुर परमात्मा सबनों सब तो मेहर भले हाथ रखे और ऐसे ही सारे लोग ही सेवा करते रहन और जरा भी नाल सेवा कर रहे हैं परमात्मा इन्होंने भी मनोकामना पूरी करे। उषा महाजन अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजी हैं। उनके आत्मिक शांति हेतु अंतिम शोक सभा व रस्म उठाला गीता मंदिर मॉडल टाउन जालंधर में किया गया, जिसमें पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय उषा महाजन की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय उषा महाजन को श्रद्धांजलि भेंट की। योगराज अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं। उनकी आत्मिक शांति के लिए श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग एवं रस्म क्रिया श्री देवीतला मंदिर स्थित राम हाल में की गई। इस मौके पर पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय योगराज की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों में पत्नी अरुणा प्रभाकर, राजीव प्रभाकर, संजीव प्रभाकर, अनूप प्रभाकर, गीता प्रभाकर, अनुराधा प्रभाकर, नम्रता प्रभाकर
सहित राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय योगराज को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। बाबा नानक जी कह रहे कि नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया, कौन सुखी है, सो सुखिया जित नाम इसके, जिसकी जेल में, जिसके हृदय में, जिसके पल्लू में प्रभु का नाम आता हुआ है वो सुखी। व्यक्ति ने फकीर के पास गया है, गठड़ी उठाई दुखों की गठड़ी उठा के फकीर के पास गया। फकीर कह लगा कैसे आए, कहते जी सारे जहान के दुख मैंने मिले हैं, सारे जहान के दुख भगवान ने मुझे दे दिए। कहते ये तेरी कचड़ी है दुखों की काम, ये मेरे दुखों की कचड़ी है, जा ऐसा करो उस कमरे में सभी लोगों ने अपने अपने दुखों की कचड़ी टांग के रखी है, दो बातें हैं दुखों की कचड़ी टांग जाते हैं, जाओ और वहां से जो हल्की लगे आपको हल्की लगे उठा के ले जाओ, जो भी कचड़ी आपको हल्की लगे आपकी कचड़ी से उसे उठा के ले जाओ। वो व्यक्ति गया टटोल का है, नहीं ये मेरी कचड़ी से भारी है, वो मेरी कचड़ी से भारी है। आखिर में जब उसको अपनी कचड़ी हल्की लगी चल पड़ा, अपनी कचड़ी लेकर चल पड़ा। वकील कह रहे तू तो वही कचड़ी लेके आया जो पहले आपके पास चीजें लेके आए थे। कहता जी मुझे अपने दुखों की जो कचड़ी है वो सभी से हल्की लगी, वो सभी बारी से, मैं जानिया दुख मुझको दुख सबाया जग, उचा चल के देखिया कर कर यही हो अग। तब महाराज कहेंगे नानक दुखिया सब बड़े बड़े जो जीसे लोग, अमीर तो अमीर बड़े बड़े जो जीसे लोग तिने व्यापे चिंता रोग, वो भी चिंता में दर्शन छूटा कोई नहीं है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है इस रास्ते से सबको गुजरना ही है। जिंदगी एक किराए पर है, जिंदगी एक किराए पर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तेरे साथी हैं जीते जीते, बाप बेटे और भाई भतीजे तेरे साथी हैं जीते जीते, अपने आंगन से उठना पड़ेगा, अपने आंगन से उठना पड़ेगा, अपनी चौखट से जाना। अश्विनी कुमार अरोड़ा अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं। उनके आत्मिक शांति हेतु अंतिम शोक सभा एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन श्री महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जालंधर में किया गया, जिसमें पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय अश्विनी कुमार अरोड़ा की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर पत्नी मनीषा, कुणाल अरोड़ा, हिमांशु अरोड़ा, ईशु अरोड़ा, जसलीन अरोड़ा, रीचा, साहिल, हरीश कुमार अरोड़ा, सरोज बाला, अजय कुमार अरोड़ा, मंगला, राजकुमार अरोड़ा, अमिता अरोड़ा, चंद्रकांता, भीमसेन, सीमा, विजय मदान सहित राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय अश्विनी कुमार अरोड़ा को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। अपने ही सुख
जगत में झूठी तेरी प्रीत, जगत में झूठी तेरी प्रीत। अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। बरनाला के गांव ठीकरीवाला में दोहरे कत्ल का मामला आया सामने। प्राथमिक जांच में प्रेम प्रसंग का लग रहा मामला। नाभा में ट्रैक्टर चालक ने मारुति कार को मारी टक्कर। कार चालक की पत्नी गंभीर रूप से हुई घायल। लुधियाना टांडा हाईवे पर चलती गाड़ी को लगी आग। नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।